उत्तराखंड की आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में चल रही भव्य कुंभ महापर्व के दौरान श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद मां चंडी देवी और मां मनसा देवी के दर्शन कर विशेष पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सनातन नगरी हरिद्वार में परंपरा अनुसार हर की पैड़ी, कुशाघाट, चंडी देवी और मनसा देवी के साथ सती कुंड पांच तीर्थ स्थलों के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। गंगा तट के सामने नील पर्वत पर सिद्ध शक्ति पीठ चंडी देवी तीर्थ और दूसरी ओर बिल्व शिखर पर मां मनसा देवी तीर्थ स्थल स्थापित हैं। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर श्रद्धालु चंडी देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। हरिद्वार नगर से गंगा पर बने विशाल चंडी पुल को पार कर तीर्थयात्री नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। जो ये पुल आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार शहर का सबसे लंबा पुल है, जिसे नाम दिया गया है चंडी पुल, और बहुत प्रसिद्ध ये चंडी पुल के नाम से हरिद्वार शहर में है। यदि आप हरिद्वार आ रहे हैं तो इस पुल में आकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, साथ ही साथ आनंद भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब इतने लंबे पुल पर चला जाता है तो खुद ही एक अलग सी अनुभूति होती है। इसी पार में माँ गंगा जी के आपको दर्शन होंगे और उस पार आप पर्वत पर देख सकते हैं जिस तरह से नीलगिरी पर्वत पर माँ चंडी देवी है, और इस दृश्य को अपनी आँखों से माँ चंडी देवी के पर्वत से देख पाना बहुत ही सुखमय अनुभव होता है। ये दर्शकों, अभी हम रोप वे में बैठेंगे जहाँ से हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो चलिए चलते हैं। यात्री यहां से चंडी देवी उड़न खटोला रोपवे की सुविधा उठाकर सरलता से सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। चंडी देवी रोपवे की लंबाई 740 मीटर है। इस उड़न खटोला सेवा से बुजुर्ग, महिला व बच्चे 2430 फीट की ऊंचाई सुरक्षित, भरपूर आनंद के साथ और बिना थके पूरी कर लेते हैं। दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं, जिसे रोपवे भी कहा जाता है, और इसी के द्वारा हम चंडी देवी मंदिर के लिए चलेंगे। पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नीलगिरी पर्वत है पूरा, जहाँ पे पेड़, आप प्रकृति का ये सौंदर्य देख सकते हैं, कितने खूबसूरत पेड़ हैं, पौधे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे रोपवे का तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन आपको ठंडी ठंडी हवा भी आपको इस कदर छुएगी कि सच में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने परिवारों के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा है, बहुत सी ट्रॉलियाँ ऐसी आ रही है, हमारी तरह ही है, वो भक्तजन है, श्रद्धालु है, जो माँ चंडी देवी के दर्शन को आए हैं। और बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम ट्रॉली से उतरेंगे जहाँ पे हम माँ चंडी देवी के दर्शन करने वाले हैं। तो हमारी ट्रॉली रुक चुकी है, तो चलिए अब हम आ चुके हैं ट्रॉली के माध्यम से चंडी देवी में मंदिर में हम प्रस्थान कर चुके हैं। अब हम रवाना होंगे, मेन जो मंदिर है चंडी देवी का, उनके दर्शन के लिए रवाना होंगे, जहाँ से हम बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। आपने देखा कि किस तरह की व्यवस्था या रोपवे में की गई है, तो चलिए अब आगे के दर्शन हम आपको माँ चंडी देवी के कराते हैं। जी हाँ, ये हरिद्वार में समुद्र तल से नीलगिरी पर्वत पर 2800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, तो चलिए आपको माँ चंडी देवी के दर्शन कराते हैं। क्या पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर के विषय में है वो भी आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो हम अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पर्वत तीर्थ के नाम से विख्यात चंडी मंदिर में मां मंगल चंडी के रूप में विराजमान हैं।
एक लोक कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में शुंभ निशुंभ राक्षसों ने अपना कब्जा जमा लिया और इंद्रदेव को सत्ता से बेदखल कर दिया। पराजित देवों ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव की स्तुति की और त्रिदेवों ने चंडी देवी की सृष्टि की। माँ चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध कर कुछ पल नील पर्वत पर विश्राम किया और तब से नील पर्वत पर माँ चंडी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंडी देवी की प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में शंकराचार्य ने की। मंदिर का पुनर्निर्माण कश्मीर के राजा द्वारा किया गया। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमां शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडा जय भूतारधारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्ते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंदन करे देवी नारायणी नमस्ते। इन भगवती का रुद्रचंड का हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऊपर आर्थिक शारीरिक सामाजिक मानसिक पारिवारिक कोई कष्ट हो तो इनका ध्यान करते हैं। रुद्रचंड का जो स्वयं प्रकट है शुभ निशुभ का वध करने के लिए यहाँ पे माता प्रकट हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है 8वीं शताब्दी में मंगल चंडिका। ये मनोकामना देवी मंगल रूप में विराजमान है भगवती मंगल चंडिका। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए, उनके संतान के लिए, अपने आरोग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए ये मंगल रूप में मंगल चंडी की पूजा की जाती है। चंडी घाट से पैदल मार्ग द्वारा श्रद्धालु 3 किलोमीटर चलकर चंडी मंदिर पहुँचते हैं। चंडी चौदस, नवरात्रि, कुंभ महापर्व और सावन माह के दौरान तीर्थयात्री बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं। अपनी मनोकामना के लिए सिद्ध पीठ मंदिर में धागा और चुनरी बांधने की भी परंपरा है। हरिद्वार में जो 5 प्राचीन तीर्थ हैं उनमें से एक माता चंडी देवी। हरिद्वार कुशावर्ते बिल्लू के नील पर्वते अस्नात्वा कनकले तीर्थ पुनर्जन्म भेजते। सबसे पहले हर की पौड़ी कुंभ बोलते हैं खड़े को जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। उसके बगल में कुशाघाट जहाँ पितरों का आह्वान करते हैं। मनसा देवी बिल पर्वत, चंडी देवी नील पर्वत और कनकल दक्ष मंदिर, राजा दक्ष की कन्या कौन है पार्वती, जहाँ पार्वती सती भी। ये 5 प्राचीन तीर्थ हैं और पूर्व काल में सुम निशुम चंडमुंड नाम के जयंती हुए, उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में पराजय कर सुर से निकाल दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, शक्ति का आह्वान किया, शक्ति प्रकट हुई और चंडमुंड को मानने के बाद माता का नाम यहाँ पर चंडी पड़ा, स्वयं वो प्रकट हुई चंडी माता, पहाड़ का नाम नील पर्वत। लोकमत है कि माँ चंडिका की शरण में श्रद्धा पूर्वक नमन करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
चंडी देवी मंदिर के बारे में, उत्तराखंड का हरिद्वार को जो घाट है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं और हम बड़ी श्रद्धा से इधर हरिद्वार के द्वार पे आए हैं। वहाँ से हम चंडी देवी के माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए। माँ का दर्शन करके आत्मा दुर्लभ होती और पावन होती है। माँ का दर्शन करने के लिए कोई मन्नत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली माता का प्यार और माँ का दर्शन करने के लिए आए। सुबह सुबह प्रातः काल गंगा स्नान करके और हंसा देवी माता के होते हुए फिर यहाँ पे आए माँ चंडी। किस तरह की आस्था है आपकी माता को लेकर? माँ की नहीं, हम तो निस्वार्थ, वो कोई डिमांड नहीं, हम तो माता के दर्शन करने आए बस। यहाँ शांति मिलती है आने में। और कैसे, पैदल मार्ग या फिर रोपवे से? पैदल। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने माता पिता और पूरी फैमिली के साथ आया हूँ घूमने के लिए। माता पिता को लेकर आए तो माता रानी आप पे आशीर्वाद जरूर बनाए रखेगी। चंडी तो चामुंडा बद किया उसको चंडी का कहता है, हाँ। जब माँ चामुंडा को बद किया गुरु जी के साथ आए हैं। अच्छा। बहुत खुश है, माँ के दरबार में आए हैं। जय माता दी, जय माता जी, जय माता जी। हमने यहाँ के बारे में अपने दोस्तों से सुना था और मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके। मुझको ये मंदिर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत साफ सफाई है, ये बहुत अच्छा जगह है। और हमारी फुल फैमिली आई यहाँ पे, मैं क्लास 7th में हूँ, इलाहाबाद से आई हूँ। हमारी फुल फैमिली आई है और हमारी नानी लोग भी आई हैं, वो लोग देवघर झारखंड से हैं। और हम लोग को यहाँ के बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत जगह घूमे। ये हमारा दूसरा मंदिर है, अभी हम लोग और जगह जाना, हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ मनसा देवी चंडी देवी का हमने दर्शन किया है, बहुत मान्यता है यहाँ पे, जो मांगिए श्रद्धा से सब पूरा होता है। हम पहले भी आए हैं यहाँ 15 साल पहले, अभी दोबारा मेरी मम्मी यहाँ लेके आई है। आप 15 साल बाद आए हैं? हम 15 साल बाद आए हैं। तो कैसा लग रहा है इतने सालों बाद आकर? बहुत यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया गया पहले से, व्यवस्था सही है। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ, तो पैदल भी चलना नहीं पड़ता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सब यहाँ उड़न खटोला से सब आए हैं। परेशानी आपको बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी कुल देवी है, यहाँ पर आके हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं 22-23 सालों से यहाँ लगातार आ रहा हूँ, हर सालों साल आ रहा हूँ, सावन के महीने में ज़रूर आता हूँ। अब 2 साल से नहीं, लॉकडाउन के कारण आ सका, इसीलिए अब आया हूँ। फिर हमारी कुल देवी मैया माता रानी के जब भी आए हैं चोली भर के गए हैं, यहाँ से हर दुआ पूरी होती है हमारी। पहली बार मैं इस माता के मंदिर पर आया हूँ, यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी मिली है और मैंने जो मन्नत मांगी है वो मेरी जरूर पूरी होगी आई थिंक। और मैं अपने साथ अपना छोटे गोपाल जी को भी लेके आया हूँ, इनकी भी बहुत इच्छा हुई थी मेरे साथ आने की, और पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और बहुत बहुत माता का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया। मैं चाहता हूँ एक बार सबको दर्शन करने के लिए आना चाहिए। जय माता दी। ये जो माँ पराम्बा जगदम्बा का मंदिर चंडी देवी हैं, यहाँ पर तो लगभग पूरे विश्व से आते रहते हैं दर्शनार्थी जो आते हैं। और वैसे भी देवभूमि में इस प्रकार से कई और स्थल हैं, मनसा देवी यहाँ पे है, माँ चंडी का मंदिर यहाँ पे है, और यहाँ पर आकर के सभी जितने श्रद्धालु अपनी हार्दिक इच्छा लेके आते हैं, माँ के दरबार में अपना सिर झुकाते हैं, तो माँ जरूर उनकी कामना पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के निकट हनुमान भक्तों के लिए अंजनी मैया का भव्य मंदिर है। हनुमान की माता श्री अंजनी देवी का ये मंदिर नील पर्वत को पूरे भारत की आस्था में प्रतिष्ठित करता है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय इंद्रादि देवताओं के सिंहासन को असुरों द्वारा छीन लिया गया था, और उस समय जब उनको चंड मुंड चिक्षुर चामुर और सुम्ब निसुम्ब द्वारा जब उनके राज्य को हटा दिया गया था, उनसे छीन लिया गया था, तो इंद्रादि देवता जो लोग थे वो लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, भगवान शिव जी के पास गए और उनसे अपने राज्य को वापस लौटाने की याचना करने लगे। इस पर उन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी ने उनको मार्ग बताया कि आप जो हैं माँ भगवती की शरण में जाएं
उनकी साधना करें, उनकी पूजा करें, वही आपके इन कष्टों को हर सकती है। उसके पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती की कई वर्षों तक तपस्या करी, पूजा पाठ किए। उसके पश्चात माँ भगवती उन पर प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने, इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती से कहा कि हे माँ भगवती, आप हमारा इन दुष्टों से हमारे राज्य की रक्षा करें, वो हमें हमारा राज्य वापस लौटाएं। जब इंद्र आदि देवता जो माता की स्तुति कर रहे थे, तो धरती आकाश पाताल पर जितने भी देवता थे, इन सब की शक्ति एक जगह समाहित होकर एक पुंज के रूप में, एक लॉट के रूप में इस दिव्य स्थान पर आकर गिरी, जो एक खम्भे के रूप में माँ भगवती विराजमान है, जो जिसको हम रुद्रचंडी के नाम से जानते हैं, जो खम्भे के रूप में है, और खम्भा फाड़ करके माँ भगवती यहाँ से प्रकट हैं। और इसी स्थान से भगवती आगे जितने भी चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंडुर, सुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर आदि दैत्यों का माँ भगवती ने संहार किया। चंडी मंदिर से मनसा देवी तीर्थ, नील पर्वत के जंगल, पावन गंगा धारा और धार्मिक नगरी हरिद्वार के भव्य दर्शन होते हैं।